आपके पुराने सहयोगी लंबे वक्त तक जिनके साथ आप सरकार में रहे नीतीश कुमार जी, उनके पास तो फुर्सत ही नहीं कि वो बजट देखें। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने देखा ही नहीं बजट इस बार, क्या है? नहीं देखिए, नीतीश जी हर चीज को देखते और जानते हैं, लेकिन कहेंगे अरे कब हुआ अभी, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, लाठीचार्ज हुआ। राज्य के गृह मंत्री हैं, कहेंगे अच्छा लाठीचार्ज हुआ, अच्छा फलाने का ये बयान आया, जबकि मैं जानता हूँ कि अखबार की वो एक एक लाइन पढ़ते हैं, यानी विज्ञापन तक और वैकेंसी तक वाली लाइन भी पढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर उनसे, अगर अंकित जी पूछेंगे कोई सवाल तो कहेंगे अच्छा मुझे पता नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। तो ये उनकी खासियत है कि जानते सब कुछ हैं लेकिन अनजान बने रहते हैं। नहीं तो अनजान क्यों बने रहते हैं? कोई मजबूरी है उनकी, क्यों नहीं बोलना चाह रहे बजट पे? बजट पे तो हर कोई बोल रहा है। नहीं बोलना चाह रहे कि वो क्या बोलेंगे भाई, वो जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने क्या किया, और आज रेल मंत्री 2,40,000 करोड़, यानी आजादी के बाद का सबसे बड़ा बजट रेलवे को मिला है 2,40,000 करोड़ एक साल के अंदर, केवल पटरियों को बिछाने में, वंदे मातरम ट्रेन के लिए, रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा। और वो कहते हैं ये रेल बजट को नरेंद्र मोदी जी ने मर्ज करके गलत किया, रेल पर पहले रात भर चर्चा होती थी। अरे भाई नीतीश जी, आपके समय में घोषणा होती थी, आपकी घोषणाओं को पूरा किया नरेंद्र मोदी ने, लालू यादव की घोषणा, रामविलास जी की घोषणा को पूरा किसने किया? आपने तो बिना बजट में प्रावधान के घोषणा करके चले गए, ताली बजवा लिया, कुछ वोट भी ले लिया, लेकिन वो बना तो नहीं। ठीक वो है, जो पुल था वो बनाया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन तो, सर जी आप पर आरोप है, आप लोगों पर, मतलब बीजेपी की सरकार पर, कि आप लोगों ने बिहार को कुछ दिया नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को ठगा गया है। अरे भाई इस बजट में आंध्र को क्या मिला, तमिलनाडु को क्या मिला, यूपी को क्या मिला, वहां तो हमारी सरकार है। ये कोई राज्य का बजट है क्या? और कोई केंद्रीय बजट में हर राज्य के लिए एक एक पन्ना होता है क्या कि 40 पेज में एक पेज यूपी के लिए, एक पेज राजस्थान के लिए? लेकिन फिर भी मैं नीतीश जी को बता दूं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद किसी राज्य को इस बजट से होगी तो उस राज्य का नाम बिहार है। केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को 1,07,000 करोड़ मिलेगा इस साल, यानी जो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये जीएसटी, ये जो कलेक्शन होता है इसका राज्यों में वितरण किया जाता है। तो 1,07,000 करोड़ एक साल में केंद्र सरकार बिहार को देगी, और इस पैसे को सरकार जैसा जैसे खर्च करना चाहे खर्च कर सकती है, और यह पिछले साल की तुलना में 25,000 करोड़ ज़्यादा है। तो नीतीश जी वापस कर दीजिए, कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, 1,07,000 करोड़ आपको मिल रहा है। और राज्य जो बजट, जो राज्य जो कर्ज लेते हैं उसकी सीमा निर्धारित है, उस सीमा से अतिरिक्त इस साल बिहार 13,000 करोड़ ले सकेगा, और यह इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। अभी कह रहे थे शशि थरूर जी कि भाई ये तो लोन, अरे भाई लोन ये तो गारंटी जैसा 50 साल में वापस करना है, कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो इससे बढ़िया कोई लोन हो सकता है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।